बच्चों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज वेडनेसडे है, आज हम लोग WCS पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने थ्योरी की थी, टेट थ्योरी में हम लोगों ने वेल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन किए थे, आज WCS पढ़ेंगे। WCS में हम लोग आज का चैप्टर रहेगा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो भिन्न होती क्या है, सबसे पहले एक जानकारी ले लेते हैं। एक अल्पसंख्या जो पूर्ण नहीं होती है वह भिन्न या फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, एक छोटी सी डिफिनेशन है, क्या है, एक अल्पसंख्या जो पूर्ण नहीं होती है वह भिन्न या फ्रैक्शन कहलाती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण भिन्न माने सिंपल फ्रैक्शन, दूसरी होती है दशमलव भिन्न। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं साधारण भिन्न क्या होता है, होती है, और उससे संबंधित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाते हैं। तो साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन होता क्या है, तो सिंपल फ्रैक्शन जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होता है सम भिन्न माने प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होती है मिश्रित भिन्न मतलब मिक्स फ्रैक्शन। ये तीन प्रकार की भिन्न होती है। तो इसमें तीनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, जो सम भिन्न होती है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अंश जो है माने ऊपर वाला जो है वो छोटा होता है, जबकि नीचे वाला हर जो होता है वो बड़ा रखा जाता है। जैसे जैसे 2/3 4/5 7/9, ठीक है ना। इसमें क्या किया, इसमें अंश जो है वो छोटा है माने ऊपर वाला जो है वो छोटा है और जो हर है वो बड़ा है। जैसे 2/3 देखिए हर बड़ा है अंश छोटा है, 4/5 7/9, ठीक है। तो ये होता है सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी आती है विषम भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो विषम भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है। जैसे इसमें क्या है, अंश बड़ा है माने ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है, जिसे 7/3 8/5 9/4, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें अंश जो है वो ऊपर वाला जो है वो बड़ा है, जबकि हर जो नीचे वाला है वो छोटा रखा जाता है। तीसरा आता है मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें एक पूर्ण संख्या होती है तथा दूसरी सम संख्या होती है। सम संख्या माने जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे एक पूर्ण संख्या माने 2/3/5 4/7/9 6/8/9, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, एक पूर्ण संख्या है और दूसरी क्या है, सम भिन्न माने अंश जो है छोटा और हर बड़ा रखा गया है। अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, और एक जो है वो पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी साधारण भिन्न तीन प्रकार की, कौन कौन सी, एक हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। तीनों में क्या डिफरेंस है वो हमने आपको बताया। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, इसमें जोड़ घटाने गुणे भाग वाले। ठीक है, चलिए अब हम लोग छोटे छोटे सवाल करते हैं, जिसमें किसी को कोई, अगर जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है तो यहीं से पढ़ना चालू कर दे, हमारे साथ चले, पूरी उसको मैथ का मास्टर बना दूंगा, ठीक है। जैसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, 1/6 प्लस 4/5 प्लस 2/3, ठीक है ना। ये छोटा सा है सिंप्लीफिकेशन का, छोटा सा इसको जोड़ना है, प्लस करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये सवाल को कैसे जोड़ते हैं, इसका क्या करते हैं, नीचे वाले का पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर निकालना नहीं आता तो भी देख लो क्या होता है, पहले 3, 5 और 6 का ये एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, छोटी छोटी संख्या से भाग देते रहते हैं। जैसे इसमें देखा क्या है, 3
तो थ्री का दिया, थ्री वन आ गया, वन आ जाता है उसके बाद छोड़ देते हैं। बाकी दूसरा क्या है, फाइव है तो फाइव ऐसे उतार लिया। दूसरा देखो थ्री टू जा सिक्स, इसमें आ गया टू। फिर नेक्स्ट किया, अब टू से जाएगा, टू से गया, ये वन था वन ही हो गया, ये फाइव है इसमें नहीं जा रहा तो फाइव ऐसे उतार लिया, और ये टू वन जा टू वन भी हो गया, ठीक है ना। अब फाइव से जाएगा तो क्या हो गया, वन 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 तीन हो गया। अब इसको कर देते फाइव टू जा टेन, थ्री जा थर्टी, ये आ गया यहां थर्टी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जो ये संख्याएं होती हैं माने जो हर वाली, तो उसको क्या करते हैं, ये हर वाली संख्या को इसमें भाग दे देते हैं और जो आता है ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। जैसे अब सिक्स का थर्टी में डिवीजन किया, सिक्स फाइव जा थर्टी, फाइव आ गया, और फाइव का ऊपर वाले वन से कर दिया तो फाइव बन जा फाइव आ गया। प्लस अब फाइव का इससे किया, फाइव सिक्स जा थर्टी, छह बार गया, और सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ये आ गया। नीचे थ्री टेन जा थर्टी, टेन बार गया, टेन का ऊपर मल्टीप्लाई किया टू में, टेन टू जा ट्वेंटी, तो कितना आ गया, बराबर आ गया जोड़ा 49 अपॉन 30 आ गया, ठीक है ना। ये 5 प्लस 24 प्लस 20 जोड़ा तो 49 अपॉन 30 आ गया। अब इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में कर लें तो क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में तो 31 जा 30 और आया 19 अपॉन 30, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा सवाल था, लेकिन यहीं से पकड़ते हम लोग चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला वन अपॉन थ्री प्लस टू सही वन अपॉन फोर बराबर वन अपॉन सेवन प्लस वाई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, ए बी देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करते हैं, इसमें क्या हो गया वन अपॉन थ्री प्लस इसको टू फोर टू जा एट, एट वन नाइन, नाइन अपॉन फोर बराबर वन अपॉन सेवन और प्लस वाई है प्लस वाई, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इसको इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री प्लस नाइन अपॉन फोर, ये इधर आ गया तो माइनस वन अपॉन सेवन बराबर वाई, तो वाई बराबर क्या आ गया, बराबर वन अपॉन थ्री प्लस नाइन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन सेवन। अब इसका भी हम लोगों ने एलसीएम ले लेना है, थ्री फोर सेवन क्या आ जाएगा, थ्री फोर सेवन, थ्री का वन फोर सेवन, फिर फोर का वन वन सेवन, फिर सेवन का कितना आ गया, एट्टी फोर, है ना, कितना आ गया, एट्टी फोर आ गया, एट्टी फोर आ गया। अब हम लोग इसे कर लेते हैं, थ्री का 84 में डिवीजन करें कितना आ गया, ट्वेंटी एट, है ना, 28 बन जा 28 प्लस। अब इसका करते हैं, फोर का कितने बार गया, 21, है ना, ये कितने बार गया, 21, 21 नाइन जा 189 आ गया, है ना, ये आ गया प्लस 189, ये फिर माइनस दिया। अब सेवन का करते हैं तो कितने बार गया, सेवन बन गया सेवन, एक सेवन टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व बन जा ट्वेल्व आ गया, ठीक है ना। क्या हुआ देखिए, फिर से देखो, ये एलसीएम ले लिया हमने थ्री फोर सेवन का, आ गया कितना, 84 आया, ठीक है ना, 84 लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका डिवीजन इसमें करते हैं तो तीन का भाग 84 दिया आ गया 28, ऊपर वाले से गुणा किया तो 28 बन जा 28 आ गया। फिर क्या किया, प्लस तो प्लस, फिर फोर का करते हैं, फोर का हमने डिवीजन किया 84 में तो आया जाके कितना,
ग्यारह दूनी आठ, फोर का हम लोगों ने किया तो कितनी बार आया, चार दूनी आठ, 21 बार गया, ठीक है ना। और 21 का ऊपर 9 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 189 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार माइनस माइनस 7 का कर दिया 84 में तो कितने बार गया, 12 बार। और 12 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई किया, 12 बन जा 12। अब इनको नीचे रख लेते हैं, इनको इनको जोड़ देते हैं, कितना हो गया 189 प्लस 28 217 है ना, ये आ गया 217 माइनस 12 अपॉन 84। फिर कितना बचा, इसको घटा दिया तो 205, 84, ठीक है ना, 205 84। अब इसको अपन 84 हो गया, ठीक है। 84 को डिवीजन करें 205 में, 84 205 क्या हुआ, 84 2 जा 168, 7 3, ठीक है। तो ये आ गया बराबर 2 होल 37 अपॉन 84, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, फिर से देख लो, 1/3 प्लस 2 होल 1/4 बराबर 1/7 प्लस y। तो इसको कैलकुलेशन करना था, एक साधारण भिन्न थी, तो 1/3 प्लस इसको बदला तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 बराबर 1/7 प्लस y, ठीक है ना। फिर कितना आया, फिर 1/3 को उतार लिया प्लस 9/4 इसको इसके इधर पक्षांतर कर लिया 1/7 को बराबर की इधर ले आए तो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस 1/7 बराबर वाई। अब इसको हमने भिन्न को हल कर लिया तो क्या किया, 1/3 प्लस 9/4 माइनस 1/7 एलसीएम ले लिया, 84 आया। फिर 3 का हमने डिवीजन 84 में किया, 28 28 बन जा 28। फिर 4 का 84 में किया तो आ गया 21 बार, 21 9 जा 189। फिर आया 7 7 को हमने 84 में डिवीजन किया तो 12 बार गया, 12 1 जा 12 आ गया। फिर क्या किया, ये प्लस प्लस के एक जगह जोड़ दिए, 189 प्लस 28 तो हो गया 217 माने 217 माइनस 12 तो आ गया कितना, 205 अपॉन 84। 84 का डिवीजन किया तो आया 2 होल 37 अपॉन 84, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब कुछ माइनस कर लेते हैं, ये दो हमने प्लस कर लिए, अब कुछ सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, वन होल 1/4 प्लस 5 होल 5/6 माइनस 3/16 माइनस 3 होल 5/8, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको साल कर लेते हैं, अब इसको साल करते हैं, क्या करते हैं, फिर वही 4 1 जा 4 1 5 अपॉन 4 प्लस 6 5 जा 30 और प्लस 5 35 अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 16 माइनस 8 3 जा 24 5 29 अपॉन 8 एलसीएम ले लिया, कितना आया 4 6 8 16, 4 का 1 6 4 2 जा और 4 4 जा 6। फिर 2 का लिया 1 2 3 जा
टू वन जा टू टू जा, फिर टू वन थ्री वन वन थ्री का वन 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 कितना हो गया, थ्री टू जा सिक्स, बारह दूनी चौबीस, चौको 48, फोर्टी एट आया ना, ठीक 48 आ गया, ठीक। अब इसको हल करते हैं तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 12 है ना, 12 चौक 48 12, ठीक है ना, 12 आया। अब 12 पंचे 60 प्लस 6 का 48 मिल गया, 6 8 बार गया, 6 8 48, 8 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 0 280 आ गया, फिर माइनस, फिर 16 का डिवीजन 48 में, 3 बार गया 16, 3 जा 48, 3 का 3 में 9, माइनस 8 का फिर 48 में 6 बार गया, 6 का मल्टीप्लाई 29 में 174 आ गया, ठीक है ना। अब फिर आगे ये जोड़ लेते हैं, ये बाकी इनमें से घटा देंगे तो 280 और प्लस 60 कितना हो गया, 340, 340 हो गया, माइनस ये जोड़ दिए 183 है ना, ये माइनस 183 आ गया, अपॉन 48 आ गया। अब कितना बचा, घटाया इसको 7 5 और 157 अपॉन 48 आ गया, ठीक है ना। अब इसको किया तो आ गया कितना, 3 होल 13 अपॉन 48, ये आपका आंसर, ठीक है ना। देख लो कैसे, ये है 1 होल 1/4 माने 1 से 1/4 प्लस 5 से 5/6 माइनस 3/16 माइनस 3 से 5/8, ठीक है। इसको हल किया तो 4 × 4 = 5/4 प्लस 6 × 5 = 30 5 × 35 = 35/6, ठीक, माइनस 3 / 16 माइनस 8 × 3 = 24 5 × 29 = 8, ठीक है ना। फिर इसको क्या किया, 4 6 16 8 का एलसीएम ले लिया, ये हमने दिखा दिया एलसीएम लेके भी, तो आ गया 48 है ना, फिर 48 एलसीएम आ गया, फिर 4 12 4 48 12 बार गया, 12 5 = 60, ठीक है, 6 8 48 6 8 48 8 का 35 में मल्टीप्लाई किया 280 आ गया, माइनस 16 का फिर डिवीजन 48 गया, 16 3 = 48 3 बार गया, 3 3 = 9 आ गया, फिर 8 का 48 में किया 8 6 48 6 बार गया, 6 का मल्टीप्लाई 29 में किया 174 आ गया, फिर इनको जोड़ लिया 280 और 60 कितना 340 हो गया, माइनस माइनस इसको माइनस माइनस जोड़ दिए 184 और 174 और 9 183 340 में 183 घटा दिए आ गया 157 अपॉन 48 48 का डिवीजन किया आ गया 3 होल 13 अपॉन 48 है ना, 3 से 13/48, तो ये हो गए आपके नेटवर्क। अब हम लोग अभी एक आध और फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन कर लेते हैं, अब एक मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्या है 4 सही 2/3 2 सही 2/5 1 सही 1/14 गुणते 2 सही 1/3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, क्या हो गया, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 4 = 12 है ना, और 2 और जोड़ दिया तो कितना हो गया 14 14/3 आ गया। इसको किया 5 2 = 10 10 और 2 12 12/5,
ट्वेल्व अपॉन फाइव आ गया, फिर मल्टीप्लाई 14 वन जा 14 और 1 15 अपॉन 14 प्लस मल्टीप्लाई 3 टू जा 6 और 1 7 अपॉन 3, ठीक है ना। अब फिर इसको काट लेते, अगर कटिंग होती है तो क्या है, देखो ऐसे करते हैं 3 5 जा 15, ठीक ये 5 और ये 5 हो गया, ठीक 7 टू जा 14 2 आ गया, 2 6 जा 12 भी आया, 3 2 जा 6 तो कितना आया 14 2 जा 28, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। ठीक देखो ये क्या था सवाल इसमें, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था 4 होल 2 अपॉन 3 इंटू 2 होल 2 अपॉन 5 इंटू 1 होल 1 अपॉन 14 इंटू 2 होल 1 अपॉन 3, माने 4 से 2 बटे 3 गुणते 2 सही 2 बटे 5 मल्टीप्लाई 1 सही 1 बटे 14 फिर मल्टीप्लाई 2 सही 1 बटे 3, तो इसको किया तो क्या आया 3 चौक 3 का गुणा 4 में 3 चौक 12 और 2 14 बटे 3, ठीक है। इसको किया 5 का 2 में 5 चूनी 10 और 2 12 बटे 5 आ गया, 14 एक कम 14 एक 15 बटे 14 आ गया, 3 चूनी 6 एक 7 अपॉन 3 हो गया है ना, 7 बटे 3 आ गया। अब हमने काट दिया, इसको काट कूट के आ गया 28 आंसर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लगाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मल्टीप्लाई है, ये क्या है 4 होल 3 अपॉन 5 हुआ 2 सही 3 बटे 7 का गुणा करो, ठीक है ना। आप इसको कर लेते हैं तो क्या है 5 का मल्टीप्लाई 4 में किया 5 4 जा 20 और प्लस 3 23 अपॉन 5 हुआ, मल्टीप्लाई करना माने मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और प्लस 3 17 अपॉन 7, ठीक है ना। अब ये कटेगा तो है नहीं, नहीं कटेगा तो कितना आ गया, इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे नीचे ठीक है ना, तो आ गया ये 391 अपॉन 35 है ना, 391 अपॉन 35 तो आ गया 35 देखो इसमें क्या था, ये है 4 होल 3 अपॉन 5 हुआ 2 होल 3 अपॉन 7 का मल्टीप्लाई करना था, तो क्या हुआ 5 का 4 में मल्टीप्लाई किया 5 4 जा 20 और प्लस ऊपर के है तो 23 अपॉन 5 इंटू 7 2 जा 14 और प्लस 3 14 3 17 अपॉन 7, ठीक है। फिर ये देखा हमने कैलकुलेशन करना चाहा तो ये कहीं किसी से कट नहीं रहा, भाग नहीं जा रहा है, तो फिर सीधे हमने इसको इसको मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 17 391 आ गया और ये 7 5 जा 35 आ गया, फिर 35 का 391 में डिवीजन किया भाग दिया तो आ गया 11 होल 6 अपॉन 35 माने 11 सही 6 बटे 35 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसी में कुछ अब डिवीजन कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले प्लस जोड़ना फिर माइनस घटाना फिर मल्टीप्लाई गुणा करना, अब डिवीजन भाग करेंगे है ना, छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट वगैरह लगाएंगे। तो अब डिवीजन में क्या चीज होती है देखिए, जैसे ये एक है टू अपॉन फाइव को फोर अपॉन थ्री
से भाग करें। ठीक है ना, 2/5 को 4/3 से भाग करना, तो इसमें क्या करते हैं 2/5, और जो भाग करने वाली संख्या होता है इसको हम पलटा देते हैं और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, इनटू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, बस डिवीजन में यही करना होता है, अगर भाग करना है किसी संख्या तो संख्या को पलट देते हैं और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको हल कर लो, जैसे ये 4/3 था, 3/4 कर दिया क्योंकि डिवीजन करना था, 3/4। अब हम लोग काट लेते हैं, 2 2 4 कितना आया 3/10। ठीक है ना, 3/10 आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, एक और नेक्स्ट कर लेते हैं। क्या है 5/4 इंटू 8/9 डिवीजन करना है, 1 होल 1/15 इंटू 1 होल 1/10। ठीक है ना, इसको सरल करें। सरल करें, ठीक है ना। तो अब इसको क्या है, 5/4 तो ऐसे ही लिख लिया, इंटू 8/9 हो गया, और ये देखो डिवीजन है। ठीक है ना, तो डिवीजन है, हमने पहले तो ये लिख लेते क्या है, 15 1 15 1 16/5, ये 16/15 हो गया। ठीक है ना, अगर हम पलट देंगे तो क्या आ गया, 15/16 हो गया, 15/16 हो गया ना, इसको हमने पलट दिया तो आ गया 15/16 इंटू 11/10। ठीक है ना, इस तरीके से आ गया। ठीक, अब इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको हल करते हैं, तो क्या होगा, 5/4 है। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेते हैं, और तो क्या हो जाता है, इसको सरल कर लेते हैं, 4 2 8। ठीक, अब ये क्या है, 16, 5 3 15 और 5 2 10। ठीक है, अब 3 3 9। ठीक है, अब क्या आया, 2 8 16। ठीक, अब ये आ गया 11 5 55, है ना, 55/, ये क्या बचा, 8 16 43 48 आया, 55/48 आ गया, तो कितना आ गया, 1 करते हैं कैलकुलेशन, तो ये हो गया 55/48 आ गया। ठीक है ना, अब 48 का डिवीजन कर दो 55 पे, तो किसने भाग गया, अब तो ये कटेगा नहीं, है ना, तो सीधे सीधे भाग दे लेते हैं, 40 55 1 7, है ना, तो आ गया 1 होल 7/48, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने प्लस माने जोड़ना सीखा, भिन्न में फ्रैक्शन में जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये छोटे छोटे सवाल हम लोगों ने आज किए। ठीक है ना, आज इतना ही काफी है, इसके बाद हम लोग कल जो नेक्स्ट रहेगा WCS का टर्न,
उसमें हम लोग थोड़ा बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाएंगे, माने जिसमें ब्रैकेट वगैरह आते होंगे है ना, वो वाले लगाएंगे, और जो टिपिकल होंगे चार चार भिन्न की, पांच पांच भिन्न की संख्या नीचे तक होगी, उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।